Am I audible? Yes, ma'am. आप ओके मैम एक मिनट. हाँ जी सो हेलो एवरीवन. मैम आज के इस सेशन का जो टॉपिक है तो वो है आइडेंटिफाइंग कोविड इन चिल्ड्रंस. जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड थर्ड वेव है हमारी, तो उसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि दैट वुड बी टारगेटेड टुवर्ड्स चिल्ड्रंस, और वो बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक रहने वाली है. तो आने वाली थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर रहने के लिए हमारा ये स्वास्थ्य दूत कैंपेन जो है उसमें बेसिक कम्युनिटी लेवल पे वॉलंटियर्स हम लोग ट्रेन करने की सोच रहे हैं. तो आज डॉक्टर गुंजन नगरकोटी मैम हमारे बीच में है, तो मैम हमें बताएंगी आज की बेसिकली कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि दे आर कोविड पॉजिटिव, और सेकेंडली और हॉस्पिटलाइजेशन की कब ज़रूरत है सबसे ज़्यादा. क्योंकि हुआ क्या था लास्ट ईयर भी और जो भी मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मतलब कोविड में बहुत लंबा एक्सपीरियंस हम लोगों का हो चुका है. लगभग 2 साल से कोविड के केसेस को हम लोग डील कर रहे हैं. जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं सभी वॉलंटियर्स ही हैं. तो वहाँ पे हो क्या रहा था, एग्जैक्ट टाइमिंग पे जो है लोगों को जो है हम लोग डील नहीं कर पा रहे थे, और लोगों को जो है सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं करा पा रहे थे. तो आगे मैं डॉक्टर गुंजन नगरकोटी मैम से ये निवेदन करूँगा कि ये सेशन को टेकअप करें, और जो बेसिक इश्यूज हैं तो वो पहले बताते हैं, उसके बाद लास्ट के जो 10-15 मिनट रहेंगे उसमें लोगों के क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे. जी मैम, ओवर टू यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन नगरकोटी. मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगी रिगार्डिंग कोविड इन पीडियाट्रिक्स. जैसे हमने देखा कि सेकेंड वेव में इस बार सेकेंड वेव हैज हिट इंडिया हार्ड, बहुत सारे पेशेंट्स आए हमारे पास. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें द प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी बढ़े टोटल. लेकिन अगर हम देखा जाए लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में केवल लेस देन 12% ऑफ इंडिविजुअल्स 12% पॉपुलेशन हमारी इफेक्ट हुई, एंड ओनली 3% डेथ्स थे जो लेस देन 20 ईयर्स में हमारे रिपोर्ट किए गए. तो इससे हम ये जान सकते हैं कि क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी अफेक्टेड थी इसलिए बच्चे भी ज्यादा इफेक्ट हुए, बट प्रोपोर्शन जो है वो मोर ऑर लेस सेम रहा. तो पहला लेसन जो हम इससे ले सकते हैं कि कोविड हमें, अगर हमें पीडियाट्रिक हमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकते कोविड रोकने के लिए, हमें टोटल पॉपुलेशन में कोविड को कंट्रोल करना है, एंड दैट इज हाउ हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी कोविड इजीली कंट्रोल कर लेंगे. एंड हमारे ये बोला गया है कि थर्ड वेव में जैसा हम सोच रहे हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, रीज़न बीइंग कि अगर सपोज ये अनलॉक वाला फेज स्टार्ट होता है हमारा, तो अनलॉक की वजह से जो मोस्ट ये जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारा मास्क पहनने की आदत है, अगर ये ठीक से नहीं हुई तो द थर्ड वेव जो है ये जल्दी इंडिया को हिट करेगी. इसीलिए हमें पहले से इसके लिए तैयार रहना है, स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए हमें तैयार रहना है. अब हम बेसिक चीज़ें जो हमारे बच्चों को पीडियाट्रिक्स में जो जो क्लिनिकल फीचर्स बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, हम बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं प्री सिम्टोमैटिक, ए सिम्टोमैटिक, और फिर उसके बाद जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जिन बच्चों में सिम्टम्स हैं या फिर कुछ ए टिपिकल सिम्टम्स के साथ भी बच्चे कोविड में प्रेजेंट कर रहे हैं. प्री सिम्टोमैटिक हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो बच्चे कॉन्टैक्ट में आए हैं कोविड पेशेंट्स के या कोविड पॉजिटिव पर्सन के, या हाई एंडेमिक जोन, मतलब कि जहाँ पे कोविड के पेशेंट ज़्यादा हैं उस जगह पे बच्चे हैं, या फिर ओवर क्राउडिंग जहाँ पे है उस जगह पे हमारे बच्चे हैं, तो उनको हम प्री सिम्टोमैटिक मान रहे हैं. और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बच्चा प्री सिम्टोमैटिक फेज में भी हमारा इन्फेक्शियस हो सकता है, मतलब कोविड फैला सकता है. दूसरा हम कर रहे हैं ए सिम्टोमैटिक, जिसमें हमने टेस्ट किया, टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको थोड़ी बाद में दूंगी, जिसमें हमने टेस्ट किया जिसमें कोई सिम्टम्स एंड साइंस हमारे नहीं मौजूद है, जिसमें हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं है, हमने सारे टेस्ट जो कराए वो नॉर्मल है, और कोविड का टेस्ट भी हमारे बच्चे का जो है कोविड जो है वो हमारा पॉजिटिव है, अदरवाइज बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एसिम्टोमैटिक है. दूसरी चीज है हमारे सिम्टोमैटिक जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जैसे हम सबको पता है अब कोविड के बारे में कि फीवर, कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि
जैसे कि किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस में या नॉर्मल खांसी जुकाम में बच्चे को सिम्टम्स आते हैं, ऐसे सिम्टम्स बच्चे को आ सकते हैं जैसे कि बुखार, जुकाम, गले में दर्द। फिर हमारे एटिपिकल सिम्टम्स हमारे कुछ होते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स जो हैं ये बच्चों में पहचानने, ये बच्चों में बड़ों से अलग है। अभी तक जो भी था ये चीज बड़ों से के समान थी, पर बच्चों में अलग क्या चीज है? बच्चों में अलग है कि कोविड हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स, एज इन जो हमारे जैसे कि बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीज के अलावा ये हो सकता है कि बच्चे को दस्त लग गए हैं, उल्टियां हो गई हैं, पेट में दर्द है, इस चीज के साथ भी बच्चे हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी, बहुत कम बच्चों में क्यूटेनियस सिम्टम्स भी प्रेजेंट है। मतलब क्यूटेनियस मतलब पर्टेनिंग टू स्किन, जो जैसे कि हमारे बच्चों में रैशेस देखने को मिल रहे हैं और उंगलियों का, पैरों की उंगली का, हाथों की उंगलियों का नीला पड़ना, ये चीजें भी बच्चों में देखी गई है। तीसरी चीज, जो एक टर्म आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि है मिसी, दैट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MISC। तो हमें MISC के लिए भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। वो तो एज डॉक्टर्स हमारा रोल है कि हम MISC आइडेंटिफाई करें, बट नॉर्मल जनता के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम सब जागरूक रहें और हम किसी भी बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने से पहले ही हम उसको बेसिक हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करा सकें। अगर हम दोबारा से ये चीज देखें, प्री सिम्टोमैटिक, जिनमें जो हमारे बच्चे हाईली एंडेमिक एरिया में रह रहे हैं, जो क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, उनका ध्यान देना है। ए सिम्टोमैटिक, जो टेस्ट पॉजिटिव है और बच्चों में सिम्टम्स नहीं है। सिम्टोमैटिक बेसिकली जो हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे अडल्ट में देख रहे थे, पर हमें बच्चों में ये भी ध्यान देना है कि बच्चों में दस्त, उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग, ये इन कंप्लेन्स के साथ भी बच्चे आ रहे हैं, पेट में दर्द या फिर रैशेज हैं, या फिर एक दूसरी मतलब जो एक नई एंटिटी हम लोगों ने डिफाइन करी है, दैट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MISC। हम बेसिकली बच्चों को एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं माइल्ड इलनेस में, मॉडरेट इलनेस में और सिवियर इलनेस में। तो माइल्ड वाले जो बच्चे हमारे वो हैं जिनको सोर थ्रोट है, कफ है, नाक बह रही है, लेकिन बच्चों की सांस की गति बिल्कुल ठीक है, तो उनको हम माइल्ड इलनेस में क्लासिफाई कर रहे हैं। दूसरा हमारा है मॉडरेट इलनेस। मॉडरेट इलनेस में क्या है, बच्चे की सांस की गति ठीक नहीं है, और गति कितनी कितनी है, देखिए माइल्ड वाले जो हैं उनके लिए हम जनरली होम आइसोलेशन ही एडवाइस करते हैं। देखने के बाद अगर बच्चे को बुखार है, जुकाम है, पेट में दर्द है और वॉमिटिंग है, इस पे भी हम बच्चे को माइल्ड क्लासिफाई करेंगे। अगर सांस लेने की गति सही है, बच्चे का सैचुरेशन 94% से ज्यादा रूम एयर पे मेंटेन कर रहा है, तो हम बच्चे को जनरली होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। बट अगर इन सब चीजों के साथ बच्चे की सांस लेने की गति काफी तेज है, या बच्चा डिहाइड्रेटेड है मतलब सुस्त पड़ा हुआ है, तो हम उससे पहले मॉडरेट में आते हैं। अगर इन सब चीजों के साथ सांस लेने की गति तेज है और जो हमारा सैचुरेशन है वो 90, 90 से 94 के बीच में है, पहले में जो हमारा माइल्ड या एसिम्टोमेटिक डिजीज थी उसमें 94 से ज्यादा बच्चा सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था, अगर कभी भी बच्चे का सैचुरेशन 94 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है, तो उसको हम मॉडरेट डिजीज में क्लासिफाई करते हैं और सांस लेने की गति तेज है। सांस लेने की गति हम एज वाइज डिवाइड करते हैं। अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो 60 या 60 से ज्यादा गति है, 2 महीने से 12 महीने तक का बच्चा है तो 50 से ज्यादा गति है सांस की, मतलब 50 बार और 1 मिनट में बच्चा सांस ले रहा है, और 1 से 5 साल का है तो 40 से ज्यादा, और 5 साल से ज्यादा है तो 30 से ज्यादा, और सैचुरेशन हमारा फॉल कर रहा है लेकिन 90 से अबव है, तो इसमें हम मॉडरेट डिजीज में क्लासिफाई करते हैं, और इस टाइम में हम बच्चे को एडवाइस करते हैं कि बच्चा हमारा हॉस्पिटल में मैनेज हो। तीसरी है हमारी सिवियर इलनेस। सिवियर इलनेस में ये होता है कि इन सब चीजों के अलावा ये एक सिवियर इलनेस एक डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है। मोटा मोटा अगर बच्चा सुस्त पड़ा है, या बच्चे नीला पड़ गया है, बच्चे का सैचुरेशन 90 से कम चला गया है, और सांस की गति तेज होने के अलावा बच्चे की एक अजीब सी सांस लेने में आवाज आ रही है, छाती अंदर धंस जा रही है, जिनको हम पसलियां चलना बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अगर ये सब चीजें हो रही है तो हमें बच्चे को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके जाना है, और ये वो टाइम है जब हम बच्चे को
सीवियर डिजीज में क्लासिफाई करते हैं, सीधे आईसीयू में एडमिट करते हैं। तो हमारा बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि हम बच्चे को माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, मॉडरेट में ही हम बच्चे को की कंडीशन को कैच करके बच्चे को हॉस्पिटल केयर, एडिक्वेट हॉस्पिटल केयर टाइमली प्रोवाइड करा सकें। एंड जब बच्चा होम आइसोलेशन में है तब भी हमें ध्यान देना है कि हम होम आइसोलेशन में बच्चे को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है कि हम कोई भी सिम्टम या बच्चे की अगर स्थिति कभी भी खराब होती है तो हम उसको इमिडिएटली कैच कर सकें। और जैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं हमसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, हमें और क्या जांच करानी चाहिए। तो अगर माइल्ड डिजीज है, अगर बच्चे को सिर्फ बुखार है इसके अलावा कुछ नहीं है, हल्का खांसी जुकाम है या पेट हल्का पेट में दर्द बच्चा कंप्लेन कर रहा है या उल्टी दस्त है लेकिन इतने नहीं कि बच्चा बिल्कुल ही सुस्त पड़ गया है, तो उस सिचुएशन में कोविड की जाँच अगर बच्चे ने कर ली है उसके अलावा कोई और जाँच करने की जरूरत नहीं है। और हम होम आइसोलेशन में जब बच्चे को रखते हैं तो उस वक्त पेरेंट्स को भी कुछ कुछ चीजें हम होम आइसोलेशन में एक और चीज सोच के ध्यान में रखनी है होम आइसोलेशन में रखने से पहले कि बच्चे के साथ 24 घंटे एक केयर गिवर होना चाहिए, या तो उसकी माँ या कोई भी पर्सन जो बच्चे का पूरा ख्याल रख सके, 24 घंटे जो बच्चे को मॉनिटर कर सके, तभी हम बच्चे को होम आइसोलेशन में रखेंगे। और कभी भी अगर हमें लगता है या पेरेंट्स को खुद लगता है कि घर पे वो बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएंगे, इवन इफ माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, तो उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। और माइल्ड डिजीज में हम सिर्फ बुखार की दवा देते हैं और उसके अलावा किसी और दवा की, कोई एंटीबायोटिक की या जितने भी एंटीवायरल, ये रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, जितने भी ये दवाइयां हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। अगर बच्चे को बुखार है तो हमें सिर्फ बुखार का ट्रीटमेंट देना है, गले में दर्द है तो उसके लिए हम वॉर्म सलाइन गागल्स, हल्के गुनगुने पानी से गरारा करना या हनी देना, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा बस बुखार की दवा देनी है, कोई एंटीबायोटिक देने की भी जरूरत नहीं है। और जो जितनी मेडिसिन पहले यूज हो रही थी या मीडिया में शो होता है कि ठीक है हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, आइवरमेक्टिन दे, ये कोई भी दवा हमें बच्चों में नहीं देनी है, कोई भी दवा हमारी सरकार की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा, घर पे जब हम बच्चे को रख रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को, एक पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर बच्चे का है, फर्स्टली वो केयर गिवर 24/7 बच्चे के साथ अवेलेबल होना चाहिए, 24 घंटे बच्चे का ध्यान रखना है उन्होंने। दूसरी चीज, एक मॉनिटरिंग चार्ट रखना है, बनाना है। मॉनिटरिंग चार्ट के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होंगे, कम से कम दिन में 3 से 4 बार बच्चे का सांस की गति काउंट करनी है। मैंने आपको बताया है एज वाइज हम क्लासिफाई करते हैं सांस की गति, अगर उस एज कट ऑफ से कभी भी गति ज्यादा है या फिर अगर काउंट करना है देख के अगर लग रहा है कि बच्चे की सांस तेज चल रही है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना है। और हमें बाकी रिस्क फैक्टर्स भी बच्चे में आइडेंटिफाई करने हैं। अगर बच्चा सिर्फ बुखार के साथ है और कभी भी हमें लगता है कि बच्चा सांस तेज ले रहा है या बच्चे की छाती सांस लेते वक्त अंदर जा रही है या नीला पड़ रहा है या बच्चा पेशाब कम करने लगा है या इतना उल्टी दस्त हो गया कि बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, बच्चे का मुंह सूख रहा है, आंखें अंदर धंस रही हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आने लगे। एक होता है नॉजिया वॉमिटिंग विदाउट एनी डिहाइड्रेशन, बट अगर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आने लगे हैं कि पेशाब कम करने लगा है, स्किन सूख गई है, ओरल म्यूकोजा एज इन मुंह सूख गया है, आंसू नहीं आ रहे हैं, पेशाब कम है, आंखें धस रही है अंदर, उस टाइम में भी हॉस्पिटल में जाना है। तीसरी चीज, पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे की जो सैचुरेशन है 3 to 4 times हमें मॉनिटर करना है। एंड घर पे जब बच्चा है तो सैचुरेशन 94 से ऊपर ही रहना चाहिए। एंड आप लोगों को रेडी रहना चाहिए कि कब आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। दूसरी चीज, मॉनिटरिंग में आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप बच्चे की पल्स रेट लिख सकते हैं जो आपको नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर से पता चलती है। अब एक नॉर्मल टेबल चार्ट बना सकते हैं कि अगर आप कभी किसी डॉक्टर को टेलीफोनिकली कंसल्ट कर रहे हैं या फिर आपका कोई नोडल ऑफिसर उससे टेलीफोनिकली कंसल्ट कर रहे हैं तो आप अपनी फाइंडिंग्स डॉक्टर को बता सकते हैं कि इतना सैचुरेशन है या टेम्परेचर आपको बच्चे का नोट करना है। दूसरा, आपको बच्चे को जीआई सिम्टम्स, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स के लिए भी वॉच करना है, नोजिया वॉमिटिंग इन सब चीजों के लिए भी वॉच करना है। इस ड्यूरेशन में बच्चे को इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज के लिए आपको बच्चे को वॉच करना है। तो मैम, इसका बेसिक एक चार्ट आप शेयर कर सकते हैं क्या हमारे साथ, मतलब एक पीडीएफ वगैरह जिसमें जैसे आप लोग मॉनिटरिंग करते हो, तो
अगर वैसा कुछ पीडीएफ, हमारे साथ हाँ जी, तो पीडीएफ मैं आप वो, लोगों के में कल शेयर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो हाँ है वही करंट पीडीएफ है, वही करंट गाइडलाइंस है जो हम लोग को यूज करनी है। मैं आप अच्छा लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगी, वही करंट गाइडलाइंस है। दूसरा मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी पल्स ऑक्सीमीटर पे। तो पल्स ऑक्सीमीटर पे जनरली हम लोग ये देखते हैं कि लोग बोलते हैं सैचुरेशन कम आ गया, जबकि सैचुरेशन ठीक होता है, बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। तो सिंस होम आइसोलेशन है तो पैनिक कैसे क्रिएट नहीं करना है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर देना चाहूंगी। तो पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है? जब हम पल्स ऑक्सीमीटर अपनी फिंगर पे लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हमारे खून में जो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और दूसरा जो ऑक्सीजन के साथ नहीं है दैट इज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मोटा मोटा ये याद रखते हैं। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, पल्स ऑक्सीमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो वेवलेंथ कैच करता है, मतलब रेड लाइट एंड इंफ्रा रेड लाइट। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उससे इंफ्रा रेड वेव, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इंफ्रा रेड वेवलेंथ से मैच करता है एंड डी ऑक्सी रेड लाइट से। तो कभी भी तो इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो निकल के मोटा मोटा हमें हमारा सैचुरेशन पता चलता है। तो इसलिए हमें खून में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का, ये हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात होती है पल्स ऑक्सीमीटर यूज करके। तो बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली बच्चों में ये हो सकता है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर रहे हैं एंड सैचुरेशन कम आ रहा है, और तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। रीजन बीइंग कि बच्चे की फिंगर पे स्नगली फिट नहीं है, वो प्रॉपर फिटिंग का पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। तो बच्चों के लिए अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं तो आपको बच्चे की एज बता के पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना चाहिए, दैट इज साइज अप्रोप्रिएट पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए बच्चे के लिए। अगर सेंसर बहुत ज्यादा बड़ा है तब भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा छोटा है तब भी दिक्कत है, ऑप्टिकल शंट क्रिएट हो जाता है जिससे रीडिंग गलत आती है। दूसरी पल्स ऑक्सीमीटर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे रिलेटेड एंग्जाइटी है यूज कैसे करेंगे, या अगर बहुत कम आ गया एंग्जाइटी ना हो तो क्यों? क्योंकि एक टर्म हम लोग इस बार के कोविड में यूज कर रहे हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया, एज इन की सैचुरेशन लेवल शरीर में कम हो रहा है फिर भी हमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है बच्चा एसिम्टोमेटिक लगे, देखने से बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन उसका सैचुरेशन ग्रेजुअली फॉल कर रहा है। तो इस चीज के लिए हमें मॉनिटर करना है कि हम साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया की शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो रही है वो टाइमली हम पल्स ऑक्सीमीटर से पता करवा सके। दूसरी हमें, मैंने आपको बताया था कि 94, मोर देन इक्वल टू 94 बच्चे का सैचुरेशन रहना चाहिए थ्रू आउट। और दूसरी चीज, एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते वक्त ऑप्टिकल शंट्स क्रिएट ना हो, तो नेल पॉलिश के ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लगाना है, उससे रीडिंग गड़बड़ हो सकती है। साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रोब की पोजिशन सही से होनी चाहिए, और लगाते ही रीडिंग रीड नहीं करनी, एटलीस्ट 30 to 60 seconds वेट करना है, काम रहना है एंड डिवाइस को टाइम देना है टू डिटेक्ट द पल्स। एंड कभी ऐसा हो सकता है कि हाथ पैर ठंडे हैं किसी कारण से, तो उस वक्त पल्स ऑक्सीमीटर को अपने हाथ पैर गर्म करके दोबारा से पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है। हाथ पैर ठंडे बच्चे के शॉक में भी हो सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर ऐसे ही रीडिंग गलत आ रही है या कुछ है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन रीडिंग सही से लेनी है। अननेसेसरी एंग्जाइटी यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर इंड्यूस नहीं होनी चाहिए। हाँ मैम एक बात और, मैम देखने में ये जी आ रहा है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में मिल रहे हैं, कई में ये हो रहा है कि ब्रेड में भी लगा रहे हैं, लकड़ी में भी लगा रहे हैं, तो वो उनकी भी रीडिंग दिखा रहा है और सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, तो लोगों को मतलब बहुत मतलब एक भ्रम टाइप का भी है कि बेसिकली जो ऑक्सीमीटर है वो उनको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ऑक्सीमीटर है वो वैलिड है और सही है, तो ये कैसे पता चलेगा मैम? देखिए, इसके लिए देखिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड इंडोर्स तो हम लोग भी नहीं कर सकते कि ये ब्रांड का ले लीजिए वो ब्रांड का ले लीजिए। अगर आप मार्केट से पल्स ऑक्सीमीटर ले रहे हैं तो पहली चीज आपको ध्यान देने की, अगर आप लेते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आपकी उंगली में वेल फिटेड है। दूसरी चीज, आप वहीं पे जहाँ पे आप खरीद रहे हैं वहीं पे अपना सैचुरेशन सारे लिम्स में चेक कर सकते हैं। अपर लिम मतलब दोनों हाथों में दोनों पैरों में सेम सैचुरेशन आना चाहिए, अनटिलनेस आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तभी ऐसा सैचुरेशन डिफरेंस आता है डिफरेंट फिंगर्स में या डिफरेंट लिम्स में। अगर सब में सेम आ रहा है तो मोर और लेस आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है। और किसी को कोई सवाल पूछने हैं रिगार्डिंग कोविड बच्चों में? आप डाउट सेशन ले लेते हैं, जिसके भी डाउट्स हों रिगार्डिंग ये तो वो प्लीज वो कर ले। गौरव जी अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लें आप।
और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट करेंगे, हैंड रेज करेंगे। चलिए एक एक करके, गौरव पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गौरव जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। गौरव जी खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और बबीता मैम का भी क्वेश्चन है कुछ, वो भी हैंड रेज करा हुआ है, तो वो भी अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। और बाकी किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेरीज या तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या पूछ लीजिए। मैम, प्रेगनेंसी में कब तक, मतलब वैक्सीनेशन कब तक करवा सकते हैं? प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कब तक? देखिए, जो करंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो जो दूध पिला रही है माँ वो वैक्सीनेट करवा सकती है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन भी वैक्सीनेट करा सकते हैं इन थर्ड ट्रेमेस्टर जो करंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग. बाकी मैं पीडियाट्रिक्स ज्यादा देख रही हूँ तो फीमेल रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इम्पार्ट नहीं कर पाऊंगी आपको. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके. और किसी के कोई क्वेश्चंस? मैम इसके साथ साथ हो ये रहा है कि चाइल्ड बच्चों में जो हो रहा है ना, कई तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मतलब आंखों में वो लगना, मतलब जो सूजन आना, पानी निकलना। तो मैम ये बेसिक कोविड के लक्षण है ये? हाँ जी, कोविड के लक्षण है ये जो है. ये एक नया टर्म या नई एंटिटी हमने डिफाइन करी है इस बार के कोविड में, MISC, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन. MISC में बच्चे को बुखार के साथ, MISC को क्लासिफाई करने का एक क्राइटेरिया है जो कि मेडिकली डिफरेंट है, बट मोटा मोटा आपको बता सकते हैं कि कब बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस जैसे फीचर्स होना, पेट खराब होना, आंखों से पानी आना, ये भी हमारे कोविड के सिम्टम्स में काउंट होता है. तो बेसिकली हमें बच्चे में ये चीज ध्यान में रखनी है कि अडल्ट में सिर्फ मोर लेस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, बच्चे में कोई भी सिस्टम, शरीर का कोई भी सिस्टम कभी भी इफेक्ट हो सकता है. मैम मतलब हमें कोई भी, अगर बच्चा किसी के भी घर में है तो एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो मस्ट है, और रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोगों को उससे करनी है। जी इसके बिल्कुल. अलावा और क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो घर पे होनी ही होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड? देखिए, घर पे इतना ध्यान रखना है, एक तो पैरासिटामोल, ठीक है, क्राइसिस के टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, तो पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगी, कंफ्यूजन से बचना है, एंग्जाइटी से बचना है, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड पेरेंट, कोई भी पेरेंट होगा एंक्शस ज्यादा हो जाता है, टेंशन परेशानी ज्यादा हो जाती है. तो बेसिक जब बच्चा आपके घर में है तो आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे मैंने बताया, उसमें आपको आप 3 दिन में सुबह दोपहर शाम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 8 AM मॉर्निंग या 2 बजे दिन के, 8 बजे रात के. आप बेसिक बच्चे के वाइटल्स लिख सकते हैं कि बच्चे का सैचुरेशन इतने बजे कितना है, और बच्चे की सांस लेने की गति कितनी है, टेम्परेचर कितना है, या बच्चे को एडिशनल कोई सिम्टम, जैसे आपके बच्चे को सिर्फ बुखार था, साथ में अगर बच्चे की आंखें लाल होने लग गई, आंखों से पानी आने लगा, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, या साथ में बच्चे को डायरिया होने लगा, तो ये सारे एडिशनल सिम्टम्स आपको अपने पास एक डायरी में मेंटेन करना है. दूसरा, अगर माइल्ड डिजीज है तो बच्चे को कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल दवा की जरूरत नहीं है, उस तरफ ज्यादा ध्यान लेने के बजाय बच्चे को सिम्टोमेटिक बुखार के लिए बच्चे को पैरासिटामोल करना है. बाकी सोर थ्रोट के लिए बच्चे को सोर थ्रोट के अकॉर्डिंग आप वार्म सलाइन गागल्स दे सकते हैं, लोजेंजेस दे सकते हैं, और अगर डायरिया है और डायरिया घर पे मैनेज हो सकता है तो बच्चे को उस वक्त ORS देना है. इसके अलावा कोई भी एडिशनल ट्रीटमेंट जो आपका शायद केमिस्ट भी बहुत बार दवा दे रहे थे, तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है. और मतलब घर पे, मतलब बेसिकली हमें उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हाँ रहना जी, कंटिन्यूअसली। ऑक्सीजन लेवल और मॉनिटर करना है, सांस की गति बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करनी. दूसरी, कोई और सिम्टम्स आपके बच्चे को जो पहले नहीं थे वो डेवलप हो रहे हैं तो उन पे ध्यान देके इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना. आप वो चार्ट प्रिपेयर करके मैम आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी नियरेस्ट हाँ जी डॉक्टर है उस। डेफिनेटली, हाँ जी डेफिनेटली, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर है या जो भी डॉक्टर आपके अवेलेबल है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और किसी के कुछ क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं मैम? जो बेसिकली है, जो स्वास्थ्य दूत हमारे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, तो अगर ये जाते हैं, इनको बच्चों की कोई चीजें दिखाई देती हैं, तो इनको किस तरीके से वहां पे, मतलब चीजों को आइडेंटिफाई करना है या प्रायोरिटाइज करना है चीजों को? देखिए, जब एक चीज होती है जो हम बोलते हैं ट्रियाज, तो जब बेसिक ग्राउंड लेवल पे बच्चे को ट्रियाज करना है, सपोज ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे घर पे बहुत सारे मेंबर्स पॉजिटिव हैं,
तो उस वक्त बच्चे का टेस्ट होना है। हम लोग जनरली, आप एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं टेस्टिंग पे। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए बताना चाहती हूँ। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट हमें मोर देन हाफ एन आवर या इमिडिएटली मिली जाती है। और उस वक्त बच्चे का अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है और बच्चे को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। एंड पेरेंट्स को उसका उसको बारे में इन्फॉर्म करना है और उनको सिम्टम्स बताना है। बच्चे को बुखार या पेट में दर्द हो सकता है या जुकाम हो सकता है। और जो हमारे श्वासदूत है, जो हमारे मेडिकल पर्सनल है, उनको बच्चों को क्लासीफाई करना या ट्रियाज करना आना चाहिए कि माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है या सिवियर डिजीज है। और उसके अकॉर्डिंग उनको पेरेंट्स को एडवाइस करना है कि ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, आप घर पे मॉनिटर कर सकते हैं या फिर आपके बच्चे को अभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। मतलब बेसिकली इनको ये करना है कि आइडेंटिफाई करें, उसका चार्ट प्रिपेयर करें, उसके बाद जो भी हमारे हाँ डॉक्टर्स की टीम है उसको भेजें कि भैया इसको क्या करना है जी, बेसिकली, उसके बाद जो है पेरेंट्स को एडवाइस करके हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटलाइज और बाकी जो भी है वो किया जाए। होम आइसोलेशन, हाँ जी बिल्कुल। और किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। कोई कुछ बोलना है? मैम आपने ऑक्सीमीटर के बारे में थोड़ा बताया था ना हाँ जी, कि हाँ जी, ये बच्चों के लिए जो है एक अलग ऑक्सीमीटर ना, कुछ हाँ जी, हाँ जी, जनरली लोग एक ही यूज करें, और फिर अभी मार्केट में जैसे हमने देखा कि 499 में ये ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से भी कुछ जो कुछ चाइनीज ऑक्सीमीटर भी आया जो कि गलत रीडिंग की तरह बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो अगर ऑक्सीमीटर पे बन सकती है कि क्या चीजें ऑक्सीमीटर में, आपको बच्चों के लिए कौन सा ऑक्सीमीटर सजेस्ट करना है जो इसके लिए, डेफिनेटली वो मैं आपसे शेयर, सिर्फ शॉर्ट वीडियो में। हाँ जी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। WHO के भी गाइडलाइंस है और हमारे गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर, तो वो मैं आप मैम लोग के साथ शेयर कर लूंगी। 2 से 3 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी ना, उस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा एक अवेयरनेस ऑक्सीमीटर पे वो जाते हैं, काफी लोग एक ठीक है, पैनिक ठीक, में आ गए थे गलत रीडिंग के। ओके हाँ जी, हाँ जी, वही पैनिक अवॉइड करना है। ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी वो मित्र आपको। थैंक यू मैम। ठीक तो आज के सेशन के लिए अगर किसी और के कोई डाउट्स हैं, तो अगर कोई ये भी हो रहा था किसी को इशू की वॉइस वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो अभी मैं बता दूं कि अभी किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है, अगर जो सोच रहा है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जो है कमेंट में टाइप कर दीजिए जिसके भी जो क्वेरीज हैं, और फाइनल हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके बाद सेशन को हम लोग एंड कर रहे हैं। तो मैम आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे भी अगर मतलब जैसे जो ये स्वास्थ्य दूत हमारे जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, तो मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन ये करने के बाद अगर कहीं पे इनको जरूरत लगती है तो हम जो है उसको जो डॉक्टर्स वाला हमारा ग्रुप है तो उसमें बेसिक रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, उसके जी बाद बेसिक सजेशन आप लोगों से लेके इनको ग्राउंड लेवल पे अगर वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो हॉस्पिटलाइज, या जो भी टेलीमेडिसिन के जरिए जो है हम लोग कंसल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड करा के, अल्टीमेट एम हमारा यही है कि थर्ड वेव वगैरह आए तो वो बच्चों को जो है जी बेसिकली हार्म ना करे। थैंक यू मैम अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। मैम का मैं देख रहा था कि परसों भी जिस दिन मैंने कॉल किया था तो मैम मैं बताना चाहूंगा, तो मैम 72 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद जो है मैम मेरा कॉल अटेंड कर रही थी, तो शायद अभी भी मैम जो है अराउंड 72 आवर्स की एक शिफ्ट करने के बाद भी मैम इतना एनर्जेटिक इतना फ्रेश दिख रही हैं। तो मैम आप लोगों का पूरी मतलब जितनी भी हमारी टीम है वो दिल से धन्यवाद देती है कि आप लोग बेसिकली जो ह्यूमेन कॉज के लिए आप लोग वर्क कर रहे हैं और मतलब पूरे परिवार को एक तरफ रख के आप लोग जो है ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम की भी मतलब इन फ्यूचर जैसे कहीं पर भी आपके जरूरत पड़ती है फैमिली मेंबर्स को भी, तो क्योंकि आप लोग तो बिजी हैं हॉस्पिटल ड्यूटीज में, तो जी अगर हाउस होल्ड कोर्स में भी अगर आप लोगों को कहीं पे हम लोगों की आवश्यकता है, हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं उनकी आवश्यकता है, तो मैम बी एश्योर यू कि वी आर देयर विथ यू, मतलब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग हमारे लिए खड़े हैं तो हम भी आप लोगों के लिए, पूरी टीम हमारी आपके साथ है। तो मैम जी इन्हीं के साथ मैम एंडिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहेंगे, सेशन को फिर एंड करते हैं। हाँ जी, मेरे एंडिंग रिमार्क्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इतना अच्छा, द यूथ इज कमिंग फॉरवर्ड एंड आप लोग का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे इतने लोगों को मदद मिल रही है। एक पर्सनल इंसिडेंट मेरा खुद का है, मेरे जीजाजी को लखनऊ में वेंटिलेटर की जरूरत थी जो कि अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, एंड थ्रू दिस ग्रुप वी गॉट अ वेंटिलेटर। ऑल्दो थोड़ा डिले हुआ था उनका ट्रीटमेंट एंड ही पास अवे,
But still, I would like to thank each and every member of this group who became instrumental in helping him that day. And the guilt jo hamare andar reh jata ki hum hospital provide nahi karwa paaye, despite of being a doctor. Us raat jis raat unki death hui, us raat shayad maine kam se kam 10 bachcho ko dekha rahe. पर मैं बार बार ये सोच रही थी कि काश मेरे घर पहुंच जाए, तो आप लोग के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हेल्प पहुंची. सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट कर पाए, एंड वी आर एबल टू फाइट द थर्ड वेव. फर्स्ट ऑफ ऑल आना थर्ड वेव, और अगर आए तो एबल टू फाइट इट विद जॉइंट हैंड्स टुगेदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्टेनिंग टू माई फील्ड, पर्टेनिंग टू द सेशन जो मैंने आज लिया है, तो बेसिक मैं ये इम्पार्ट करवाना चाहूंगी कि बच्चों में कोविड एक वेरिड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है. तो हम लोगों की एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों में एज सून एज पॉसिबल टाइमली हॉस्पिटल हेल्प दें, एंड अननेसेसरी एंग्जाइटी या प्रेशर क्रिएट ना हो, ना पेरेंट के माइंड में, ना हेल्थ केयर सिस्टम में ये अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सभी का ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू.